नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरा बकरी और उनके बच्चों में पेशाब बंद होने के कारण और उसके इलाज के बारे में। जी हाँ, जब बकरा बकरी का उनके बच्चों का पेशाब रुक जाता है तो बकरी पालक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसे में उनके बच्चों को अगर पेशाब रुकी या बकरों का पेशाब रुका है तो सबसे पहले उनका शरीर फूलने लगता है, मतलब उनके जो पैर होते हैं वो फूलने लगते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद में जो ब्लैडर है जहाँ पर यूरिन जो पेशाब इकट्ठा होता है उसके फटने के पूरे चांस रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार बच्चे बकरों की मौत हो जाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं खुद भी एक बकरी पालक हूँ और हमारा वीडियो बनाने के पीछे एक ही मकसद है कि बकरा बकरी अगर आपका बीमार होगा तो हम आपको इलाज बताएंगे, उसे ठीक भी करवाएंगे और आपसे किसी तरह का पैसा भी नहीं लेंगे। अगर वो कमज़ोर होगा तो उसे मोटा तगड़ा भी करवाएंगे, पर ध्यान रहे बकरा बकरी को उनके बच्चों को मरने ना दें, अगर मर जाएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का खास ध्यान रखना है आपको कि जब भी बकरा बकरी के उनके बच्चों का पैसा रुक जाए तो मैं आपको बहुत शानदार इलाज बताने वाला हूँ जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और समय रहते अपने बकरा बकरी को उनके बच्चों को बचा सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बकरों में या उनके बच्चों में पेशाब रुकने के कारण क्या है, क्योंकि बकरी पालक हमें आए दिन फ़ोन करते हैं। पिछले कुछ समय से कुछ नए बकरी पालक हमसे जुड़ रहे हैं जो शौकिया तौर पर बकरी के बच्चे पालते हैं, वो बकरों को पालते हैं, उनमें पेशाब बंद हो जाती है। ऐसे में बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही है कि सर क्या इलाज करें, डॉक्टर नहीं है, मेडिसिन नहीं मिल रही है। तो ऐसे में देसी इलाज के ऊपर वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। तो हम कारणों की पहले बात कर लेते हैं। तो चलते कारण की तरफ, तो दो इसके सबसे मेन कारण हैं। सबसे पहला कारण, समय से बधियाकरण ना होना, मतलब अगर हम बकरे का खस्सी करवा रहे हैं उसको तो समय से नहीं करवाते हैं, उसकी उम्र से पहले करवा देते हैं या उसकी उम्र के बाद करवा देते हैं। तो खस्सी कब करवाना है उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना हुआ है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आपको उसकी एज को देखते हुए खस्सी करवाना है, क्योंकि जब अगर उसे आप समय से पहले खस्सी करवाएंगे या बाद में करवाएंगे तो उसके अंदर पथरी बन जाती है जो कि पेशाब नली में फंस जाती है, जिसकी वजह से पेशाब रुक जाता है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे कारण की ओर। तो दूसरा कारण है शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होना। क्या करते हैं बकरी पालक, अपने बकरों को, बकरियों को, उनके बच्चों को एक सिंगल दानी अनाज खिलाते हैं। जो दाना मिश्र खिलाते हैं उसमें या तो गेहूं गेहूं खिलाते हैं या मक्का मक्का खिलाते हैं या चना ही चना खिलाते हैं। तो इससे में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उनके शरीर में, उनके पेट में पथरी डेवलप हो जाती है और उसी वजह से पेशाब रुक जाता है। तो ये दो मेन कारण हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमें बीमारी का इलाज तो करना है, पर सबसे पहले उसके कारणों को जानना है। अगर हम उसके कारणों को जान लेंगे तो हम कभी वो बीमारी नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, हमने कारण तो जान लिए, अब हम चलते हैं इसके इलाज की ओर। तो इलाज में हम एकदम देसी इलाज करने वाले हैं जो कि आप आसानी से घर पर बैठकर कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है, हमने पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं इस टॉपिक के ऊपर, जिससे कि बकरी पालकों को फ़ायदा हो सके। क्योंकि क्या होता है कि जब हम एक बीमारी के ऊपर एक इलाज बताकर हम उसे ख़त्म कर देते हैं तो ऐसे में बकरी पालकों की कंप्लेंट आती है कि सर हमारे यहाँ पर ये जो सामग्री उपलब्ध नहीं हो रही है, देसी आइटम नहीं मिल रहा है या ये मेडिसिन नहीं मिल रही है। तो ऐसे में एक बीमारी के ऊपर कई तरह के वीडियोस, कई तरह के इलाज हम देते हैं, जिससे कि अगर एक मेडिसिन या एक देसी इलाज आपके पास नहीं है तो आप दूसरा कर ले समय रहते, आपके बकरा बकरी को किसी तरह की समस्या ना हो। तो इलाज में हम कुछ 3 से 4 तरह की सामग्री लेंगे जो कि आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि आपको जब भी ज़रूरत हो आप उस एंट्री को देखकर आप उसका इलाज कर सकें। तो इस इलाज में हम सबसे पहले लेंगे मुल्तानी मिट्टी। जी हाँ, हमें लेनी है 250 ग्राम मुल्तानी मिट्टी। इसके बाद दूसरी सामग्री हमें लेनी है कलमी सोरा, इसे पोटेशियम नाइट्रेट भी कहा जाता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रेफरेंस के लिए मैंने इमेज लगा दिया है जिससे कि आप आसानी से इसे मार्केट से खरीद सके। तो कलमी सोरा लेना है आपको 50 ग्राम। इन दोनों को मिलाकर अच्छे से आपको लेप बना लेना है। जी हाँ, पूरी तरह से लेप बना लें। और लेप बनाने के बाद आपको जिस भी बकरी के बच्चे को या बकरे का पेशाब रुका है उसके पेट पर इस लेप को लगा दें और इस लेप को तब तक लगा रहने दें जब तक कि आप नेक्स्ट टाइम उस लेप को फिर से ना लगाएं। मतलब जैसे हमने आज सुबह लेप को लगा दिया, पूरा दिन पूरी रात लगा रहने दें, अगले दिन सुबह हम उस लेप को हटा दें और फिर नया लेप लगा दें, तो आप देखेंगे इससे बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है। उसके बाद आपको दूसरा इलाज क्या करना है वो बता दूँ। ये तो हमने शरीर के बाहर लगाया, अब शरीर के अंदर से हमको जो इलाज करना है, जो खिलाने की सामग्री है वो भी आप देख सकते हैं। सबसे पहला हमें लेना है 100 ग्राम नौशादा, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। दूसरा हमें लेना है जवाखार, ये भी आपको 100 ग्राम लेना है।
और इसके बाद हमें लेना है कलमी सोरम, जी हाँ, जो हमने लेप में इस्तेमाल किया था, ये भी हमें 100 ग्राम लेना है। इन तीनों चीज़ों को 100 ग्राम जब हम लेते हैं तो 300 ग्राम आइटम हो जाता है। इसे हम अच्छे से बारीक करके पाउडर बना लें और एक डब्बे में स्टोर करके रख लें। जब भी बकरा बकरी का पेशाब बंद हो तो पहले आपने लेप लगा दिया, उसी के साथ आपको 2 चम्मच, जी हाँ, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, 2 चम्मच मैं बता रहा हूँ आपको, एक एडल्ट बकरा बकरी के लिए जो 50 किलो से ऊपर का वजन है, 2 चम्मच आप लें और अपने बकरा बकरी को खिला दें। अगर बच्चा छोटा है, जैसे कि ज़्यादातर कंप्लेंट आती है छोटे बच्चों की, जो 3 महीने 4 महीने के बच्चे होते हैं, तो उसमें आपको 1 चम्मच इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच आप किसी भी माध्यम से दाना मिश्रण के साथ दे दें, आप चाहे तो पानी में मिलाकर पिला दें, दिन में 1 ही बार पिलाना है। जब तक आप पिलाएं, कम से कम 3 से 4 दिन आपको पिलाना है, आप देखेंगे जो भी पथरी होगी बकरे बकरी के अंदर या पेशाब नली में फंसी होगी वो बहुत आसानी से निकल जाएगी और उसका पेशाब खुल जाएगा। तो ये बहुत ही शानदार देसी इलाज है जो कि हम दोनों तरीके से कर रहे हैं, बाहरी माध्यम से भी कर रहे हैं और आंतरिक माध्यम से भी कर रहे हैं, मतलब हम लेप को भी लगा रहे हैं और उसे दवा खिला भी रहे हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो अब आपको किसी बात की टेंशन नहीं लेनी है, जब भी आपकी बकरी के बच्चे की या बकरी की पेशाब रुके तो आप सबसे पहले इस इलाज को करें, आप खुद देखेंगे आपको रिजल्ट बहुत शानदार मिलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, धन्यवाद।